तो दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक चार मंजिला इमारत गिरने से दस लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग जख्मी हुए हैं पुलिस के मुताबिक ये इमारत अवैध थी वहीं एमसीडी ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके के दो इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था और ये बात मैं मुझे दोहरानी पड़ रही है इसकी भी कुछ अपनी वजहें हैं लेकिन फिलहाल चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल हैं कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज और दिल्ली की मुख्य सचिव रह चुकी हैं शैलजा चंद्रा सेंट्रल मिनिस्ट्री में हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं शैलजा जी इससे पहले कि अनिल भारद्वाज और विजय गोयल एक दूसरे पर आरोप लगाए मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इस लापरवाही ये लापरवाही है सीधे सीधे इसका जिम्मेदार कौन है इस तरह के हादसे अब लगभग सिलसिला बन गया है दिल्ली में देखिए ये सिर्फ अभी की घटना के बारे में नहीं बोलना चाहिए ये देखना चाहिए कि दिल्ली में क्या स्थिति है अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सारे लोगों के सहमति से होता है ओनर तो होता ही है उसमें बिल्डर होता है पुलिस होता है एमसीडी के लोग होते हैं सबके सहमति से ये होता है और रिश्वत दी जाती है रिश्वत ली जाती है इसको अगर काबू में लेना है तो लॉ में होना चाहिए प्रोविजन कि जब तक आपके पास स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं है अनऑथथराइज कॉलोनी हो या ऑथराइज वो बात नहीं है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का ना हो अक्रेडिटेड एजेंसी या अक्रेडिटेड इंजीनियरिंग एजेंसी आर्किटेक्ट एजेंसी ना दे तब तक आपको पानी और बिजली नहीं मिलेगी और अगर एम पाए कि नहीं यहाँ पे फिर भी ए, ए, लोगों ने ऑक्यूपेंसी कर दी है तो उनको वहां से हटाने पड़ेगा पचास साल वाले बिल्डिंग जो है इतना पुराना तो ये ऐसे कानून उनके ऊपर नहीं लागू ए, हो सकता है पर जी मैपिंग द्वारा कि जितने बिल्डिंग्स है जो एमसीडी ये स्ट्रक्चरली साउंड नहीं है तो उनको नोटिस देने पड़ेगा कि आपको कॉलम्स देके के इसको स्ट्रक्चरली बिल्कुल ठीक करने पड़ेगा नहीं तो ये तो डेंजरस है हम लोगों के मान्य सोसाइटी में पब्लिक सेफ्टी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है कोई कदर नहीं है और जब बच्चे और लेबरर्स और गरीब लोग मर जाते बस हम कहते हैं दो लोगों का सस्पेंशन सस्पेंशन कुछ भी नहीं हुआ कम से कम डिसमिसल होना चाहिए और जो वहां के पॉलिटिशियंस है जिन्होंने इसमें हाथ दिया है तो इनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होने चाहिए और बिल्डर के खिलाफ तो जरूर कल्पबल होमसाइड केसेस लॉन्च होने चाहिए जब तक कोई सख्त कदम नहीं होगा यही आप टीवी पे प्रोग्राम्स करते जाएंगे और सब लोग कहेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा यह बहुत खराब बात है विजय गोयल साहब प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है मैं समझता हूँ प्राथमिक ज़िम्मेदारी हम सब की है पहली बात यह है कि ये जो अवैध निर्माण इसलिए होते हैं कि बिल्डिंग बाई लॉज हमारे यहाँ इतने ख़राब हैं कि आदमी जल्दी जल्दी के अंदर कंस्ट्रक्शन करता है उसको लगता है ना उसके नक्शे पास होंगे ना उसका कोई काम होगा इसलिए मैं रातों रात बिल्डिंग को बना लूँ और बिल्डिंग बहुत कमज़ोर बनती है पिछले दिनों हमने ये पास किया था अपने यहाँ पर कि भाई जो 100 गज तक के 100 मीटर तक के मकान है उस पर किसी नक्शे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो गाइडलाइंस हैं उसको देख के कर ले आदमी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले आए स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट से से, से सेफ्टी का सर्टिफिकेट ले आए पर ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करने देती पास ही नहीं होता हो जाके पॉलिटिकल लोगों के भी दोष होंगे मैं पॉलिटिकल लोगों को बचा नहीं रहा हूँ जी अब आप देखिए जेई को सस्पेंड कर दिया गया क्यों कमिश्नर की क्यों नहीं जिम्मेदारी है कमिश्नर की सीधी सीधी जिम्मेदारी है कॉरपोरेशन की, की, तो हैं। हैं की, हो हो की, की आप तो पॉलिटिकल ले रहे हैं मैं एक जनरल ले रहा हूं आप ये तो देखो ना बात को जी मैंने तो शुरू में ही शुरुआत इससे की है कि भाई हम सबकी जिम्मेदारी है मैंने तो ये नहीं कहा और मेरे को तो मालूम है किसकी एमसीडी और किसका क्या है तब भी मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं और अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं दूसरी तरह से बोल दूंगा फॉर्मल जो बोलना है। अपने आप जिम्मेदारी फिक्स चाहिए, अपना कहना यह है कोई भी अनऑथोराइज बिल्डिंग को तोड़ा जाए तब तोड़ो जब पहले उसके जेई को सस्पेंड कर लो अपने आप बिल्डिंग बननी बंद हो जाएंगी जाकर जी पर क्या है वो फाइलें ऐसे पूरी करते हैं ऐसे पूरी करते हैं कि आप उन पर हाथ भी नहीं डाल सकते वो बच के निकल जाते हैं नहीं मैं आपकी साफ गोई का तो आपकी ईमानदारी का, का सम्मान करता हूँ मुझे चेंज लाने बहुत जरूरी है नहीं मैं आपकी साफ गोई का सम्मान करता हूँ अनिल भारद्वाज साहब क्या आप मानेंगे दरअसल देखिए खेल बन गया है ये जानते सब हैं जानते सब हैं करता कोई कुछ नहीं है ये विडम्बना है क्या अनिल सब जानते हैं नहीं जो जो संदीप जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है मानवीय संवेदना प्रकट की जा रही है हम उन लोगों के प्रति जो जान गवाई है उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं शैलजा चंद्रा जी ने जो बात शुरू की वो बहुत सटीक है कि जो जवाबदेही जब बनती है तो नीचे के दो तीन ऑफिसर्स को सस्पेंशन होता है आप दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो न्यू दिल्ली आज एनडीएमसी हो एसडीएमसी हो आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि सारे सस्पेंशन लगभग पिचानवे प्रतिशत क्या अट्ठानवे प्रतिशत केसों में रिवोक हो जाते हैं एक दो साल में उनको दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा वो अधिकारी जिस तरह के फाइलिंग पे उनको जो नोटिंग होती है उनका कोई पनिशमेंट नहीं बनता के साहब अब ये यहां पे है नहीं मैं नहीं समझता कि जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथन होनी चाहिए आज दिल्ली में कुकर मुत्तों की तरह बिल्डर्स डेवलप हो गए उन बिल्डर्स का क्वालिफिकेशन क्या है उनके पीछे कोई टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है उनके पास कोई इंजीनियर उनके सिस्टम में काम करता है नहीं करता ऐसे लोग जिनको बेसिक्स भी नहीं पता बिल्डिंग बनाने का वो बिल्डर्स का बोर्ड लगा के काम राजनीतिक के बिना हो सकता है ये जवाब अनिल जो डिप्ट राजनीतिक शह के बिना हो सकता है ये सब नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता मैं मैं ये कह नहीं रहा हूं कि राजनीतिक सह के बिना हो रहा है मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता लेकिन कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट सीधे तौर पर जिम्मेदार है चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है चाहे पुलिस है हमें कम से कम एक एस बनी थी पीछे उसको क्यों हटा लिया गया मुझे नहीं पता कि जिसमें एसडीएम होता था इलाके का जिसमें एसएचओ की जवाबदेही भी थी जिसमें बिल्डिंग बन रही है या कोई टूट रही है इसकी जानकारी कुछ डिपार्टमेंटों को निश्चित होती है और किस तरह बिना किसी मतलब उसके बिना फॉर्मेलिटीज को पूरा करे कोई कैसे तोड़ सकता है आपको जो दिल्ली में आप बिल्डिंग्स का हाल देख रहे हैं एक दुर्घटना नहीं है दुर्घटना होगी हम सब इस पे डिबेट करेंगे फाइलें बंद हो जाएंगी पंद्रह दिन महीने के बाद वो सस्पेंशन छह महीने के बाद रिवोक हो जाएंगे यही सिलसिला चलता रहा है कोई जवाबदेही बिल्कुल भी तय नहीं की गई है और ना ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई इम्प्लीमेंटेशन में आई है जो होने विजय गोयल साहब विजय गोयल साहब इसी इलाके में कुछ साल पहले ऐसे ही एक इमारत गिरी थी ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी सत्तर लोग मारे गए थे तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी ऐसे ही स्टूडियो में चर्चा हुई थी लोगों ने संवेदनाएं अपनी जाहिर की थी एक हजार मकान अवैध करार दिए गए थे कार्रवाई क्यों नहीं होती है क्या दरअसल दिल्ली ये राजधानी देश के दिल की हम बात कर रहे हैं कुछ इलाके पूरे स्ट्रक्चर्ड हैं, और कहीं और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल जो होता है ना अराजकता है कि जिसे जो बनाना है कुछ खिला दो कुछ पिला दो कुछ राजनीतिक शरण जो मिलती है क्योंकि आपके लिए वोट बैंक भी तो होता है ना कि नहीं नहीं अभी बना लो बाद में इसको पक्का करवा देंगे ये भी है ना ये भी एक दिक्कत है ना सर नहीं ये जो बातें आप सारी कह रहे हैं सब बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पता है सारी ब्यूरोक्रेसी को पता है पर एक नेक्सेस ऐसा बन गया है कि जो टूट के नहीं दे रहा है जो टूट के नहीं दे रहा जी और उसको टूटना चाहिए मैं जब एमपी था आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए चांदनी चौक के अंदर मैं अनथराइज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जलूस निकालता था आखिर और उनको रोकता था सबको क्यों उसका स्वरूप सारा बिगड़ रहा था इसलिए मैं तो अपने मन की बात सारी टेलीविजन में नहीं कह सकता किंतु मैं इतना कह सकता हूं कि अगर अगर ऊपर के आला मैं एक एक बात समझिए मैं पॉलिटिशियन से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा दोष समझता हूं जी आप ये कह सकते हैं पॉलिटिशियन क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लेते जी पर ब्यूरोक्रेसी को यह देखना चाहिए और धीरे धीरे लगाम लगनी चाहिए कि भाई आपको तनख्वाहें नियमों का पालन करने के लिए दी जाती हैं। अब मैं आपको ईमानदार से बताता हूं हमने पिछली बार ये कोशिश की कि सौ मीटर वाले को हम पास करा दें ताकि ये करप्शन जो है सारी खत्म हो जाए कुछ हो जाए वो फाइलें ऐसी चलती हैं उसमें ऐसे अटकाते हैं उसको भाई नए जो काउंसलर आए हैं नए जो ये है एक तो ये जो रोटेशन सिस्टम है ना कॉरपोरेशन के अंदर ये ये टिकने नहीं देता किसी को भी ये रोटेशन सिस्टम के कारण आदमी को लगता है अगली बार मुझे यहां से तो चुनाव लड़ना नहीं है उसके आधे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं पहले और एक ये जो तीन कॉरपोरेशन को अलग अलग कर दिया गया उसके कारण भी बड़ा नुकसान हुआ है पहले एक कार्पोरेटर के नीचे चार जई होते थे अब एक जई के नीचे चार कॉरपोरेटर हैं आप ये समझिए इतना नेक्सिस है और लगातार मैं तो कहता हूं ये कमिश्नर की सीधी जिम्मेदारी है कि लगातार आप चार चार मंजिल अलाउ करते हैं किंतु उससे पहले आप ये नहीं बताते कि अभी पानी बिजली सीवर यहां पे इनके लिए कहां से आएगा तो मैं अब क्या क्या बताऊं आप लोगों को हम तो इन बातों को जितना ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं किंतु कोई कमिश्नर से तो ये पूछे भाई लगातार बिल्डिंगें खड़ रही है अनथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है आपने क्या फॉर्मूला निकाला है और अगर कोई पॉलिटिशियन भी कहता है तो आप क्यों नहीं मानते हैं उस बात को और आपके पास कितनी शिकायतें हैं ये बिल्कुल अनिल जी ठीक कह रहे हैं पुलिस और बिल्डर और एमसीडी के बीच मिली होती है चंद पैसों के लालच में नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं दिल्ली के सीस्मिक जोन में होने के बावजूद मकानों के निर्माण में लापरवाही बरती जाती है बिल्डरों के लालच में आकर लोग घटिया क्वालिटी के घरों और अवैध निर्माणों में आशियाना बना लेते हैं और फिर हो जाते हैं हादसे का शिकार ये पूरा एक नेक्सेस है सभी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पैसे देकर किसी भी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता है पूरी दिल्ली ऐसे ही अवैध इमारतों से पटी पड़ी है ऐसे में अहम सवाल ये कि क्या किसी नेता पुलिस या फिर अधिकारी में इतना दम नहीं जो इसे रोक सके आखिरकार कब तक बेकसूर लोग अपने ही घर में जिंदा दफन होते रहेंगे कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ तिवारी दिल्ली आई पी एन सेवन और मेरे साथ तीन खास मेहमान बने हुए हैं हम चर्चा कर रहे हैं शैलजा चंद्रा जी से मुख्य सचिव रह चुकी हैं दिल्ली सरकार में हमारे साथ कांग्रेस के अनिल भारद्वाज और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल भी हैं अब जान तो सस्ती है आदमी की जान बड़ी सस्ती हो गई है और राजधानी दिल्ली इसकी गवाह है इसकी एक मिसाल बन गई है कड़वी हकीकत बन गई है ऐसे में चर्चा को एक कदम तत्काल प्रभाव से राजधानी दिल्ली में जैसे लागू किया जाए कि ऐसे हादसे से ना हो देखिए जो देई है निश्चित तौर पर सीधे बिल्डिंग बायलॉज को इंप्लीमेंटेशन की या किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रेंथन उसके स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन के सर्टिफिकेट कर इश्यू करने की वो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तीनों म्यूनिसपल कॉरपोरेशन के पास है सबसे पहली जवाबदेही उनकी बनती है लेकिन मैं इसमें नहीं जाता कि एक्स वाई जेड कौन जिम्मेदार है सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम इतने मानवीय हो गए कि देखते हुए आप जिस बात को अभी जिम्मेदारी से श्रीमती शैलजा चंद्रा जी कह रही थी मैं जिम्मेदारी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब श्री विजय गोयल जी ये कह रहे थे कि मैंने इतने आंदोलन किए इतनी चीजें मैंने रखी एज ए पोलिटिशियन पोलिटिशियन की बात को मानने की कोई मजबूरी नहीं है किसी ऑफिसर के पास कोई जिम, ए, ऐसा कोई कानून नहीं कहता अगर बात गलत है तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए अगर सही बात के लिए वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे आए तो माननी चाहिए जो सही बात है वो मानी नहीं जाती और जो बात नहीं कह रहे उस पर ढाल बनाया जाता है आप नौकरशाही को सीधा बचा रहे आप जेईए के सस्पेंशन का सवाल नहीं है सस्पेंशन बिल्डिंग बायोलॉज के इम्प्लीमेंटेशन में जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं उनको पनिश होना चाहिए उनके पनिशमेंट पे पीछे कोई नहीं जाता आप सीधा तौर पे एक को सस्पेंशन इशू हुआ वो कहते हैं कि हंसते हंसते दिल्ली में जो बिल्डिंग की जो जो एजेंसी है म्युनिसपल कॉरपोरेशन उसके बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जो रिश्वत है अगर आप उसके पीछे लगेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा स्तर पे ये चल रहा है हर हर गली में हर मोहल्ले में इसी तरह की इमारतें खड़ी होती जा रही है जिनके पीछे कोई बिल्डिंग बायोलॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कह दिया जाता है कि भाई सौ सौ मीटर से ज्यादा नहीं नहीं आप मुद्दा सही उठा रहे हैं लेकिन हम समस्या की बात है नहीं जा रहे हैं देखिए नेक्सस ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए हम रेमेडीज देने लगते हैं विजय गोयल साहब हकीकत यह है कि आधी दिल्ली अवैध है यह कड़वी हकीकत है इससे निजात कैसे पाए हम समस्या की जड़ में आ, जाने को तैयार नहीं है अगर मैं ये कहता हूं गलत कह रहा हूं क्या देखिए मैं आपको समस्या की जड़ बताता हूं जी समस्या की जड़ ये है कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है परिवार बढ़ रहा है उसको रहने के लिए मकान चाहिए उसको कमरे बनाने हैं और उसका परिवार जब बढ़ता उसको है उसको कमरे बनाने हैं और उसके पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके कारण वो आराम से कमरे बना सके उसको लगता है तकलीफें ही तकलीफ़ें हैं इसलिए रात भर के अंदर वो चाहता है मेरा कमरा कच्चा पक्का बन तैयार हो जाए वो गिर जाता है जी इसलिए अच्छा ये है जैसा मैंने आपको रेमेडी बताई थी कि भाई बिल्डिंग बाई लॉज को आसान बनाया जाए जी उससे लोग जो है आराम आराम से पक्का अच्छे मटेरियल से नहीं तो अभी रात रात में लिंटर डाल देते हैं वो गाटर डालते हैं लिंटर डालते हैं गाटर डालते हैं लिंटर डालते हैं उसके ऊपर पानी तराई भी नहीं होती वो सूखता भी नहीं है जल्दी जल्दी में करते हैं तो इसलिए पहली बात बिल्डिंग बाई लॉज ठीक होने चाहिए दूसरी तरफ प्रशासन को सख्त होना चाहिए ये जो शैलजा चंद्रा जी कहती हैं ये ठीक नहीं कहती हैं जाके ये कॉर्पोरेशन के अंदर सारी पावर ब्यूरोक्रेसी के पास है जी ये मेयर वेयर के पास कोई पावर नहीं है एक बात समझ लीजिए बात को हां वो चाहें तो धरना देकर जबरदस्ती करके कर सकते हैं ये भी चीफ सेक्रेटरी रही है तो भी राशन कार्ड से लेकर सब चीजों के अंदर जा करप्शन होगी रही होगी जाके जी और इनके ऊपर कोई ऐसा दबाव ये बता दें किस पॉलिटिशियन का इनके ऊपर दबाव था कि वो काम करा दें पॉलिटिशियन तो सबसे बड़ी बेवकूफ जमात है जो कि बुराइयां सारी की सारी मोल लेती है चौबीस घंटे खड़ी रहती है जी मैं इसका मतलब ये नहीं है उनकी तरफदारी कर रहा हूं जी मैं ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी को अपना काम करना है किसी दबाव में नहीं आना है कॉरपोरेशन के अंदर सारी पावर जो है वो कमिश्नर और ब्यूरोक्रेट्स के पास है वो मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास नहीं है ये, ये बता देंगे आपको मैं मैं समझ गया मैम आखिरी सवाल आपसे है लगभग आपके पास 45 सेकंड का वक्त है मैं जो वो समस्या की जड़ की बात कर रहा हूं ना अब शंघाई में भी शंघाई का बुरा हाल था जैसी मुंबई थी अस्सी के दशक में या दिल्ली अभी भी है ऐसा ही हाल शंघाई का भी था उन्होंने क्या किया उन्होंने सैटेलाइट टाउन्स बना दिए चारों तरफ शहर के नौ सैटेलाइट टाउन्स बना दिए अब यहाँ पर अगर पॉपुलेशन का लोड हो रहा है लोग आएंगे उनको रोजगार चाहिए वो राजधानी दिल्ली आएंगे उनको घर भी चाहिए तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में क्या सोचते भी हैं क्या मैम फोर्टी फाइव सेकेंड्स हैं आपके पास ऐसा <laughs> सवाल आप कहते हैं फोर्टी फाइव है मैं समझती हूँ कि एन सी आर प्लानिंग बोर्ड है वो सक्षम नहीं रहा है उसको बहुत ज़रूरत है कि स्ट्रांग ऑफिसर्स और स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रियल सपोर्ट चाहिए एन सी आर प्लानिंग बोर्ड को अपने पॉलिसीज को अपनाने में और लोगों पर बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन के मोड पर लगवाने की उनके पास होनी चाहिए पावर वो इस वक्त तो बिल्कुल एक खोखला सा ऑफिस है ये सारे उनकी जुम्मेवारी है पॉलिसी लेवल पे सेकंड मैं चाहूंगी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लॉ सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसको मंजूर कर सकता है चेंज करने के लिए अभी के मंत्री जी के पास अगर उनको इच्छा हो तो वो 48 घंटे में इस लॉ को चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट की से मांग कर सकते और तीसरी बात जो है इंडोनेशिया जैसे देश में जिस दिन आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया आपकी पानी बिजली बंद की जाती है और अगर आप मंजूरी ना ले स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट फिट टिकट नहीं, नहीं ले तो पानी बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा ये तो बहुत ही आम चीज़ है अगर इंडोनेशिया जैसा देश जो हमारे माने मुकाबले में कुछ भी नहीं है उनका तो आबादी भी हमारे से वन फिफ्थ है और उनके जो एजुकेशन लेवल वगैरह हिंदुस्तान से इतना हाई नहीं है तो अगर वो कंट्री कर सकता है और वो भी एक ईस्टर्न कंट्री है मैं कोई डिवेलप कंट्री का नहीं उदाहरण दे रही हूँ क्यों नहीं यहाँ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है पर उसके लिए एक बिल्कुल एक

राजधानी दिल्ली को महफूज भी बनाना होगा शैलजा चंद्रा जी विजय गोयल जी अनिल भारद्वाज जी आप तीनों का बेबाक राय अपनी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया